तो आज की कहानी है भाग्यवान, हम तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हाय रे मर जावा, कितनी सोनी लग रही हो मेरी, दिल रूबा रूब तेरा, ऐसा दर्पण में ना समय, तुमको देखकर आज भी ऐसा लगता है कि कोई नव यौवना समुद्र से ना कर सली आ रही हो। मोहित ने बिल्कुल अभी अभी बाथरूम से ना धोकर निकली संध्या को देखकर सेड़ते हुए कहा, हटो मोहित, हर समय तुमको बस सेड़ खानी करने को दे दो, जरा अपनी उम्र का तो ख्याल करो। बालों के अंदर से धीरे धीरे सफेदी जागने लगी है, उन सफेद बालों का ही लिहाज कर लिया करो। संध्या ने झेपते हुए कहा, ओए होए मेरी जाने मन, हमने तो आपके इसी रूप पर आशिक होकर शादी के लिए हाँ की थी, वरना तो और भी दिव्याओं में। और रही बात बालों से सफेदी जागने की, तो दुनिया की कौन सी पुस्तक में लिखा है कि बालों में सफेदी आ जाने पर पति पत्नी से इसको फरमाना छोड़ दे। हम तो जनाब जैसे थे वैसे ही रहेंगे, मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहित, तुम भी ना तीन तीन जवान बच्चों के पिता हो, दिनों बाद घर में बहू और दामाद आ जाएंगे, तब भी ऐसे ही हरकतें करना, संध्या ने जीत करते हुए कहा। लेकिन इस तरह से मोहित का मस्ती भरा स्वभाव उसको अंदर ही अंदर गुदगुदा भी रहा था। ये तो और भी अच्छी बात है कि जब बच्चे हम लोगों को इस तरह रोमांटिक होते हुए देखेंगे तो वो भी हम लोगों से जरूर सीखेंगे कि कैसे जिंदगी को खूबसूरत जिंदा दिली से जीना सही, वरना तो व्यक्ति के पास हंसने का समय ही नहीं बचता। ये बात कहते हुए मोहित थोड़ा सा मायूस से हो गया। अभी 2 साल पहले ही कोरोना हो जाने के कारण संध्या अंदर से बिल्कुल टूट सी गई थी, लेकिन मोहित उसको हर समय तरह तरह की हरकतों से, तो कभी गाना गा गा कर, तो कभी जानवरों की आवाज़ की नकल करके हंसाया करते। बच्चे तीनों थे जो कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला होने के कारण उनके पास लोगों के पास आ नहीं सकते थे। उस समय मोहित ने अपनी सकारात्मक सोच से संध्या को फिर से मजबूत होने में मदद की, और जिस संध्या ने बिल्कुल हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया था वो फिर से जिंदा दिली के साथ जीने लगी। सच कह रहे हो मोहित तुम, लेकिन ये बात यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जिसका हम सफर तुम्हारे जैसा हो वह जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं हो सकता। संध्या ने मोहित का मायूस चेहरे को देखकर खिलखिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही बात मेरी जाने मन, और दोनों लोग खिलखिलाने लगे।